मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैक जी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बताऊंगा आपको कुछ एलजेब्रा की शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरा वीडियो देख के किस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये एलजेब्रा का पहला ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। एक माइनस का भी होता है, हम जानते हैं, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अगर हम इन्हें प्लस कर दें, दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें, तो आपके पास क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखो कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस माइनस के हैं, तो आपके पास क्या आएगा, टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर। यहाँ से अगर आप टू कॉमन ले देते हो तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप ए जो ये है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसके नीचे ले जाते हो, तो इस तरह से आपका ये इक्वेशन बन जाएगी। तो पेपर में क्या है, इस तरह से यहाँ पे कोई नंबर लिखा आता है, डायरेक्टली उसका आंसर क्या आने वाला है, उसका आंसर टू आएगा। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, 217 प्लस 213 का होल स्क्वायर प्लस 217 माइनस 213 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 217 का होल स्क्वायर प्लस 213 का होल स्क्वायर। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर 2 आने वाला है। आप डायरेक्टली ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो इस तरह से अगर हम जो हमारे ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, अगर हम इसको प्लस की जगह माइनस कर दें, अगर हम इसको प्लस की जगह माइनस कर दें तो एक नई फॉर्मेट बन जाती है, वो भी करते हैं। जैसे यहाँ पे टू ए बी, आपने क्या है, इसको माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस। ये देखो प्लस माइनस क्या कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा फोर ए बी। अगर आप फोर ए बी को नीचे ले आते हो तो आपका आंसर क्या आने वाला है, फोर आने वाला है। ये क्वेश्चन भी इसी तरह आता है, जैसे 217 प्लस 213 का होल स्क्वायर माइनस 217 माइनस 213 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 217 इंटू 213, इसका आंसर क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। बस आपको ये देखना है क्या ये फॉर्मेट बन रही है, अगर ये फॉर्मेट बन रही है तो उसका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, एसएससी में, रेलवे में और सिंप्लीफिकेशन में, तो आप कर सकते हो, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं। अभी सिंपली इसी फार्मूले पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, अभी जो एसएससी का पेपर हुआ था स्पेशल सिलेक्शन का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये दिया हुआ था यहाँ पे, इस तरह से 0.32 इंटू 0.32 प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 2 इंटू एक्स करके दिया हुआ था। और आपसे पूछ रहे थे एक्स की वैल्यू क्या होगी, और हम जानते हैं कि जैसे यहाँ पे 2ab आता है, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 0.32 है, बी की वैल्यू क्या है, 0.2 है। तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.064। तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 0.64, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.064, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी इसमें करते हैं अलजेब्रा में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आप ये टर्म नीचे ले आते हो तो ये किस तरह आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ बचेगा ए माइनस बी। अगर पेपर में क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आने वाला है, ए माइनस बी आने वाला है। क्वेश्चन जैसे हम लिखते हैं 217 का होल क्यूब माइनस 117 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 217 का होल स्क्वायर 117 का होल स्क्वायर प्लस 217 इंटू 117। अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 217 माइनस 117, आंसर कितना आएगा, 100। तो इस तरह से आप बिना सॉल्व किए हुए, क्योंकि इतनी बड़ी टर्म ना तो क्यूब हो सकती है ना इतना टाइम होता है सॉल्व करने का, आप डायरेक्ट देखो क्या इस तरह की फॉर्मेट लिखी है, तो आंसर क्या आने वाला है, ए माइनस बी आने वाला है। नेक्स्ट टर्म करते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, जब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाता है तो यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ पे माइनस हो जाता है। अब आप फिर से वही सेम स्टेप फॉलो करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वो टर्म नीचे ले आओ, मल्टीप्लाई में किधर आगे डिवाइड हो जाएगा,
इस कंडीशन में आंसर क्या आने वाला है, ए प्लस भी आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 117 का होल क्यूब प्लस 102 होल क्यूब डिवाइड बाय 117 का होल स्क्वायर प्लस 102 का होल स्क्वायर माइनस 117 इंटू 102। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या आने वाला है, दोनों का प्लस आने वाला है। आंसर कितना आ जाएगा, 2190। तो इस तरह से ये हमारी चार आइडेंटिटी हुई और आप इनका क्वेश्चन देख के ही कर सकते हो, आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम करते हैं आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह से होता है। अगर हम इसको नीचे ले आते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी, तो आंसर क्या आने वाला है, ए माइनस बी। और अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम इसको नीचे ले आते हैं तो आंसर क्या आने वाला है, ए प्लस बी। इस तरह से क्वेश्चन आता है, जैसे हम कर लेते हैं 512 माइनस 212 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 512 प्लस 212, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 512 माइनस 212, ये आंसर आ जाएगा 300। ऐसे अगर इसका करें 512 का स्क्वायर माइनस 212 का स्क्वायर डिवाइड बाई 512 माइनस 212, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, दोनों का प्लस आने वाला है। इस तरह से ये आंसर आएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है डेसिमल में भी आ जाते हैं, आप डेसिमल में भी कर सकते हो। ये जितनी भी आइडेंटिटी है उसके क्वेश्चन डेसिमल में भी आ जाते हैं, जैसे 0.5 स्क्वायर माइनस 0.3 स्क्वायर डिवाइड बाई 0.8, इस तरह से लिखा होगा। तो अब यहाँ पे ए प्लस भी नहीं लिखा, उसने क्या किया ए और बी की वैल्यू ऑलरेडी प्लस कर दी। तभी आपको ये सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये इस टाइप का फॉर्मेशन है। आंसर कितना आने वाला है, 0.5 माइनस 0.3, आंसर आने वाला है 0.2। ऐसे ही आप यहाँ माइनस में भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये कंडीशन होती है, आइडेंटिटी लगती है, उनके आप क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।